देख सकते हैं इस रास्ते पर एक श्री राम जी का मंदिर है, जो अभी इस मंदिर के पट बंद पड़े हैं, लेकिन शाम 4 बजे बाद ये पट खुल जाएंगे। देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर ये मंदिर दिखाई दे रहा है जो इस पहाड़ों में बना हुआ है। और मुझे तो बड़ी अच्छा लगा कि ये जो ऐतिहासिक धरोहर है ये कई सैकड़ों वर्ष पुरानी है, करीबन 400 साल पुराना ये ऐतिहासिक कृष्ण कुंड है जो मैंने आपको दिखाया। ये ऐतिहासिक कृष्ण कुंड का रास्ता है। इस मंदिर के पास से ही एक रास्ता है जो सकरा है, आगे पहाड़ों की ओर जा रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ इस तरफ। ये मंदिर के जस्ट बगल में से ही है ये रास्ता जो निकल रहा है। इस जंगल में जंगली जीव, पशु पक्षी और बहुत सारे जीव हैं जो यहाँ पर रहते हैं, बर्ड्स एनिमल्स जो आप जंगलों में देखते हैं बहुत अधिक संख्या में हैं। ये अलवर का सबसे बड़ा पहाड़ी नाला है तो आप देख रहे हैं ये, और इसके जस्ट बगल में ही कृष्ण कुंड है। कृष्ण कुंड की स्थापना अलवर के राजा विनय सिंह ने करवाई थी जो काफ़ी पुराना है। इसको यहाँ के प्रशासन ने टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया हुआ है। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं जो कि सीधा पहाड़ों की ओर जा रही हैं। फॉरेस्ट एरिया में आता है सर इसका टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो अलवर में है उसमें ये एरिया आता है। बड़े ही सुंदर यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल्स हैं। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और रास्ता भी काफ़ी ऊपर और चढ़ाई है, तो चलते हैं आगे की तरफ। हिरण है, आप सामने देख सकते हैं हिरण भी है यहाँ पर, सांभर नीलगाय, और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो इस रास्ते पर है। और ये सीधा रास्ता बाला किला की तरफ जाता है जो कि अलवर का एक फेमस फोर्ट है। देख सकते हैं मैं कृष्ण कुंड के पास में पहुंच चुका हूं, और ये बड़ा ही अच्छा कुंड है, काफ़ी पुराना कुंड है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक स्मारक भी बनाए गए हैं। अंदर की तरफ हम चलते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये दीवारें बनाई गई है, यहाँ पर ये रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता सीधा जा रहा है जो कि यहाँ पर एक मंदिर है और काफ़ी प्राचीन टेंपल है। ये एक बरसाती नाला है जो काफ़ी बड़ा है, मैं दूसरी साइड से आपको लेकर आया हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम देख सकते हैं ये एक कुंड है और यहीं पर एक मंदिर है सामने, और ये एक नीचा रास्ता है, ये कृष्ण कुंड है, आप सामने देख सकते हैं इसको, और ये ऐतिहासिक धरोहर है। काफ़ी पुराना यहीं पर स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। अंदर की तरफ आकर लेकर चलता हूँ आपको मैं। ये काफ़ी पुराने खंडर टाइप में मकान है। देख सकते हैं ये कृष्ण कुंड है, यहाँ पर कभी राजा महाराजा अपनी पत्नियों के साथ आते थे और यहाँ पर स्नान किया करते थे। सुंदर ये कृष्ण कुंड है, खुद आप देख सकते हैं। कुंड करीबन 150 मीटर गहरा है, और यहीं पर ही एक मंदिर बनाया हुआ है छोटा सा।
एक दीवार है जो ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर कभी राजा महाराजा ऊपर बाला किला से यहाँ पर आते थे और यहीं पर ही स्नान किया करते थे। वहाँ से एक सीधी सुरंग इस कृष्ण कुंड के पास में आ रही है। ये एक छतरी है जो मंदिर की है, काफ़ी पुरानी लग रही है। क्या सुंदर व्यू है इस कृष्ण कुंड का। कुंड काफ़ी गहरा है, एक तरीके से बावड़ी जैसा ही है। ये मंदिर है सामने श्री राम और हनुमान जी का, और काफ़ी ऊंचाई पर मैं आया हुआ हूँ पहाड़ों में। मंदिर में आया हुआ हूँ, देख सकते हैं ये राम दरबार है जो कि कृष्ण कुंड के पास में ये मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पुराना है। फ्रेंड्स, मैं अब आगे की ओर निकलता हूँ। यहीं पर ही ये कुंड के बगल में ही यहाँ पर रहने के लिए जगह बनाई हुई है। बाला किला वन्य क्षेत्र में पड़ने वाले ऐतिहासिक कृष्ण कुंड, जो कि राजा बख्तावर सिंह और विनय सिंह के समय का एक कुंड है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक नाला है जो काफ़ी बड़ा है। आप खुद देख सकते हैं ये पहाड़ी नाला है जो कि पहाड़ों से आ रहा है, बाला किला के जंगलों से। फ्रेंड्स, जो ये जगह है, ये जगह अपने आप में ही काफ़ी ऐतिहासिक है, जो अलवर की शान कही जाती है। राजस्थान का एक प्रमुख शहर है अलवर। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाली है, जंगल हैं चारों ओर और पहाड़ हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देख सकते हैं ये ऐतिहासिक कृष्ण कुंड का रास्ता है। इस रास्ते पर ये देख सकते हैं एक सांबर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इस जंगल में काफ़ी अधिक संख्या में है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, काफ़ी हरी भरी वादियां हैं, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। जंगली जानवरों का झुंड है जो यहाँ पर हमेशा इस कृष्ण कुंड के रास्ते पर हमेशा विचरण करते रहते हैं इस जगह पर। सामने आगे की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं महाराजा सवाई जय सिंह की यहाँ पर स्मृति के रूप में यहाँ पर एक छतरी बनाई हुई है, दिखाते हैं। ये एक छतरी बनाई हुई है जो महाराजा सवाई जय सिंह थे, उनकी छतरी बनाई हुई है यहाँ पर उनकी स्मृति में। शिला पर बनी हुई है ये भैरू बाबा की प्रतिमा है। और इस रास्ते पर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, सर्दी का मौसम है। यहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर है, पुरातत्व विभाग ने इस धरोहर को ऐतिहासिक घोषित किया हुआ है। इस ऐतिहासिक कुंड में राजा और राजा के सैनिक यहाँ पर नहाने के लिए आते थे।